दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में दो दर्जन छात्रों ने जेईई और नीट की परीक्षा को तत्काल स्थगित करने और गरीब व मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्रों के 6 माह की फीस को माफ किए जाए के लिए काली पट्टी बांधकर हाथों में तख्ती लेकर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल धरना स्थल पर पहुंच गए और धरना दे रहे छात्रों को हटाने लगे। इस दौरान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर अपर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन लेने के पश्चात छात्रों ने धरना स्थगित किया। इस संबंध में छात्र नेता मनीष ओझा ने बताया कि जेईई और नीट की परीक्षा में 23 लाख छात्र सम्मिलित होंगे, जिसमें कोरोना महामारी बढ़ सकती है, इसलिए तत्काल परीक्षा स्थगित किया जाए। इस दौरान काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन करने वालों में नारायण दत्त पाठक, सौरभ प्रजापति, सुजल यादव, अंकित गौड़, शुभम गौड़, कुलदीप कुमार, रविकांत निषाद, आशीष अग्रहरी, मोहित मौर्य, गोलू चौरसिया, रामलखन यादव, रविकांत आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता मनीष ओझा ने कहा, परीक्षा स्थगित करो। मनीष ओझा, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांध कर हाथों में तख्ती लेकर के जो नीट और जेई की जो परीक्षाएं चलाई आयोजित हैं उसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें 23 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होंगे और 23 लाख विद्यार्थी अगर एक जगह एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना को हम बढ़ावा दे रहे हैं और छात्रों के जीवन को संकट में डालने का काम किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं, ये निरंतर किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देखे जो वार्षिक परीक्षाएँ हैं उसमें हम लोग के मेहनत से, छात्रों के सहयोग से हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तो परीक्षाओं को टला दिया गया, लेकिन थर्ड ईयर की परीक्षाएँ 3 तारीख से शुरू हैं। जैसा कि आप जानते हैं नीट की जो परीक्षा है वो बृहद लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे होता है, लेकिन वहाँ के 23 लाख विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे जो कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा है। पूरे देश की अगर बात करें, पूरे देश में 36 लाख के आसपास आंकड़ा पहुँच गया है कोरोना का। इस विषम परिस्थिति में हम परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं, बताइए कहाँ का न्याय है छात्रों के साथ। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो गरीब और मध्यम वर्गीय के छात्र हैं, जो परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो 6 माह की फ़ीस है उसको तत्काल माफ़ किया जाए, क्योंकि कोरोना का संकट के वजह से हर परिवार बेरोजगार हो चुका है, आम आदमी एकदम पूरी तरह से टूट चुका है, जिसको देखते हुए 6 माह की फ़ीस को माफ़ किया जाना न्यायसंगत होगा। हम लोग राज्यपाल महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ज्ञापन सौंपा, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि आपकी मांग को माना जाएगा।